फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्थित अमरजा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास टेंथ वर्कशीट फॉर मिशन मैथमेटिक्स फॉर द डेट ऑफ नाइन्थ अगस्त 2023 थाउजेंड टुडे आवर टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट मीन्स चैप्टर नंबर सेवेन ऑफ योर बुक्स कॉर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप uh, प्यारे बच्चों पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा तो इसमें हम देखते हैं कार्टिसन सिस्टम और कोऑर्डिनेट प्लेन होता है यानी एक प्लेन के को जो है दो एक्सिस जो है परपेंडिकुलर एक्सिस जिसे हम आ, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो उसको हम आ, एक दूसरे पे ये डिवाइड करता है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इन सेम प्लेन जिसको हॉरिजेंटल लाइन uh, को हम एक्स एक्सिस कहते हैं ये एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन जो ये है वो वाई एक्सिस कहलाता है और ये इस पूरे uh, को पूरे प्लेन को uh, चार भागों में बांटता है एक दो तीन और चार भागों में बांटता है तो इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी uh, क्लॉकवाइज uh, शुरू होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ अब यहाँ पे आप जानते हैं जो कि कोऑर्डिनेट किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट जो होता है व, आ, आप एक्स और वाई के रूप में लिखते हैं एक्स का मतलब हुआ जो एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है उस दोनों का मतलब एक्स तो इसका डिस्टेंस और ये मतलब इस पे पॉइंट और इस पे पॉइंट ये दोनों लाइन जहाँ पे मिलेगी वो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा कोऑर्डिनेट ऑफ इट इज अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन कार्टिसन प्लेन and it denoted by p x y where x and y are the value of x coordinate and y coordinate यानी यहाँ पे दिखाया है जो x axis पे जो है ये x axis है और ये y axis है और यहाँ पर कोई point है p जिसका कॉर्डिनेट एक्स वाई है तो एक्स वाई यानी इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस पे वैल्यू एक्स और वाई एक्सिस पे वैल्यू वाई ये दोनों लाइन जहाँ पे मिलेगी वो उसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा अब यहाँ पे एक और बात देखने वाली बात है इसमें जो होता है ये देखिए इस प्लेन में जो भी पॉइंट होगा इधर एक्स एक्सिस प्लस में होता है पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है और जहाँ पे दोनों मिलता है दोनों एक्सिस उसे ओरिजिन कहते हैं और y एक्सिस ऐसे ही y y वाला जो है इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है तो ए, इस तरह से हम देखते हैं जो ए, कोई भी पॉइंट यदि ए, इस प्लेन में है इस प्लेन में जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं तो एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू प्लस, प्लस। यानी पहले हम एक्स और वाई लिखते किसी चीज़ की कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस होगा जबकि इस क्वाड्रेंट में यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा तो एक्स की वैल्यू माइनस और फिर वाई की वैल्यू प्लस और इस क्वाड्रेंट में यदि कोई होगा तीसरे क्वाड्रेंट में तो एक्स की भी वैल्यू माइनस में और वाई की भी वैल्यू माइनस में और फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि होगा तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो तो प्लस में होगी और वाई की वैल्यू माइनस में होगी इस तरह से हम देख करके ही उसका पोजीशन बता सकते हैं कहाँ पे है अब कहता है देखिए इसमें एक और चीज़ देखने की बात ध्यान देने की बात है ये इसको कहते हैं वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है आ, वाई एक्सिस ये है वाई एक्सिस वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स की वैल्यू के बराबर है जितनी वैल्यू ये है उतनी ही वैल्यू इसके बराबर है जिससे हम एक्स की वैल्यू को अबसीसा नाम देते हैं और वाई एक्सिस से का डिस्टेंस एक्स की वैल्यू के बराबर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वाई की वैल्यू के बराबर है इसके बराबर है तो इसे ऑर्डिनेट कहते वैल्यू के बराबर यानी लेकिन ये जो होगा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा यानी ये नेगेटिव में भी होगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव ही होगा पॉजिटिव साइन ही लेना है अब बात करते हैं जो सवाल दिए गए हैं पहला इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट माइनस फोर और वन लाइन माइनस फोर और वन एक्स की वैल्यू माइनस है और वाई uh, की वैल्यू प्लस है एक्स की वैल्यू माइनस तो uh, दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा और वाई की वैल्यू प्लस यानी दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा ये हाउ फार द पॉइंट माइनस फोर वन फ्रॉम्स एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बताएगा तो वाई की पॉजिटिव वैल्यू के बराबर uh, तो डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट दैट मीन्स वन और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस एक्स तो ये वन यूनिट हो गया और वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के बराबर तो एक्स के पॉजिटिव वैल्यू माइनस फोर है तो यानी फोर यूनिट हो गया अब आई एस जो सवाल दिए गए हैं करने के लिए तो सवाल दे राइट द कोऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट तो एक्स कोऑर्डिनेट ये है एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा uh, इसका वैल्यू होगा ट्वेल्व और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू uh, जो होगा वो माइनस फिफ्टीन होगा अब कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेवन वाई सेवन फाइव फ्रॉम वाई एक्सिस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा एक्स की वैल्यू के बराबर पॉजिटिव वैल्यू के बराबर में तो ये सेवन यूनिट विच क्वाड्रेंट हैज बोथ एक्सिस नेगेटिव बोथ एक्सिस नेगेटिव किस में होता है आपको पता है थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ये था आज का वर्कशीट उम्मीद है समझ में आएगा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें धन्यवाद